একদরের শ্রদ্ধা কিশোরপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বৃহস্পতিবার নিজের ভোট প্রদান করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং বর্তমান রাজ্যসভা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। ভোট প্রদান করে নিজের প্রতিক্রিয়ায় বিপ্লব কুমার দেব জানান, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গত 5 বছরে রাজ্যের যে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে তার জন্য মানুষ খুবই খুশি। উন্নয়নকামী মানুষের আশীর্বাদে দেশে আবার বিপুলভাবে বিজেপি সরকার গঠন করবে বলে জানান তিনি। जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उसी दिशा में काम करता है। 2018 में शून्य से सरकार हम लोगों को दिया है जनता ने, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोविड के होने के बावजूद भी 2 साल उसके बाद भी हम लोगों ने त्रिपुरा के हर सेक्टर में काम किया है, और ये त्रिपुरा के डेवलपमेंट के पैरामीटर बताती है और त्रिपुरा का हर जनता उसको जानती है। और त्रिपुरा बहुत लंबे समय एक अंधकारमय एक युग में पहुंच गए थे, आज त्रिपुरा के नौजवान के आँख में एक आशा की किरण दिखती है, महिला को चेहरे पर हंसी है और बुजुर्ग तो एक अपने चेहरे पर विश्वास है, ये पहले थी नहीं। ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद त्रिपुरा में हुई है, और मेरा विश्वास है 23 का अभी जो निर्वाचन हो रही है, आज अनुष्ठित हो रहा है, तो इसमें लोग त्रिपुरा के लोग अपने भविष्य के निर्वाचन कर रहे हैं, अपना भविष्य कैसा होगा उसका निर्णय लेने जा रहे हैं, और मेरा पूर्ण विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा जनता के सेवा में नियोजित होगा। উল্লেখ্য, উৎসবের মেজাজে এবং শান্তিপূর্ণ আবহে ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনে বৃহস্পতিবার ভোট দিয়েছেন বিভিন্ন দলের নেতা সহ রাজ্যবাসী। ব্যুরো রিপোর্ট, আর ই নিউজ।